हरियाणा के स्वास्थ्य और आयुष मंत्री अनिल विज, जिनके पास खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का प्रभार है, उन्होंने बताया कि एफडीए, आयुष और हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त टीम ने सोनीपत की 5 आयुर्वेदिक फैक्ट्रियों पर ताबड़तोड़ छापे मारे और इस कार्रवाई के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में अवैध माल बरामद करने में सफलता हासिल की गई। अनिल विज ने बताया कि हरियाणा सरकार ने नशे में दुरुपयोग होने वाली दवाइयों, अवैध रूप से एमटीपी किट बेचने वालों, नर्सिंग होम्स में अवैध दुकानों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। उन्होंने चेताया कि हरियाणा की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।